हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतिमा भारती एंड वेलकम टू चैनल। दोस्तों, अक्सर आप अपने डेली लाइफ में इस टाइप के सेंटेंसेस को जरूर बोलते होंगे, जैसे मेरे ख्याल से वह नहीं पढ़ेगा, मेरे ख्याल से वह झूठ बोल रहा है, मेरे ख्याल से तुम उससे मिल सकते हो, मेरे ख्याल से तुम्हें वहां जाना चाहिए। सो गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस को इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सो दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इसका रूल है इन माय व्यू प्लस सेंटेंस। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आपको यूज करना है इन माय व्यू प्लस सेंटेंस। इधर जो भी सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसके अनुसार आप इसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से वह नहीं पढ़ेगी, तो सबसे पहले आपको यूज करना है इन माय व्यू। इन माय व्यू, फिर इसके बाद सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है शी। फिर इसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे नेगेटिव रूल होगा विल नॉट। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है स्टडी। मेरे ख्याल से वह नहीं पढ़ेगी, इन माय व्यू शी विल नॉट स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे ख्याल से आप उसे मिल सकते हो, तो सबसे पहले लिखना है इन माय व्यू। फिर इसके बाद सेंटेंस, तो ये सेंटेंस है गाइस मॉडल का, आप उसे मिल सकते हो। तो ये बनेगा यू कैन मीट हर। मेरे ख्याल से आप उसे मिल सकते हो, इन माय व्यू यू कैन मीट हर। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे ख्याल से उसे वहां जाना चाहिए, तो ये भी सेंटेंस है गाइस मॉडल का, तो सबसे पहले यूज करना है इन माय व्यू। फिर इसके बाद सेंटेंस, उसे वहां जाना चाहिए, ही शुड गो देयर। मेरे ख्याल से उसे वहां जाना चाहिए, इन माय व्यू ही शुड गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे ख्याल से वह झूठ बोल रहा है, तो ये सेंटेंस है गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो सबसे पहले आपको लिखना है इन माय व्यू। इन माय व्यू, फिर इसके बाद सेंटेंस, वह झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। मेरे ख्याल से वह झूठ बोल रहा है, इन माय व्यू ही इज टेलिंग अ लाई। मेरे ख्याल से आप उसे नहीं मिलोगे, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दे, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि मैं कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू।